हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? स्वाति। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। स्वाति जी, कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? आज 15 डेज। इससे पहले कौन सी कार से आपने लर्न किया? मैंने सेंट्रो और वैगनार का सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है। सेम इंजन की कैपेसिटी, सेम गाड़ी की लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों इनको इनकी पर्सनल कार से ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, जो कि मुझे भी पता चल जाए इन्होंने क्या सीखा, अभी ये अकेले चलाने के लायक हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। हालांकि अभी जो टास्क मैंने इनको दिया था उसमें तो फाइनली ये एकदम पास हो गई हैं, क्योंकि जिस स्लूपिंग से इन्होंने कार को नीचे उतारा है डाउन, क्योंकि इनका जो पोर्च है लगभग रोड से करीब करीब 4 से 5 फीट हाइट पे, जो कि बहुत ही ज्यादा डाउनहिल था और बिजी रोड है, कॉलोनी का रोड है, जहाँ पे हर सेकंड में गाड़ियां निकलती रहती, तो ऐसी जगह कार को थोड़ा निकालना टफ है। बट वहां पे आंटी ने काफी हेल्प करी कार को निकालने में इनकी। तो चलो, अभी आपने फर्स्ट गियर डाला अपने राइट वाले ORBM को, दिख रहा है राइट में, है ना? और ये लेफ्ट वाला चेक कर लो, दिख रहा है? इधर इस लुकिंग ग्लास को चेक कर लो, इसमें बैक साइड आपको दिखना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते हुए धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाना है। सारा खेल क्लच का है। इसमें क्लच का पैंडल थोड़ा अंदर तक ज्यादा जाता है, मेरी सेंट्रो में इतना नहीं जाता, इसका जो क्लच है थोड़ा ज्यादा अंदर तक जाता है। तो इसको एक दो बार दबाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। गट बहुत प्यार से चलना, जहां पे कुछ ना समझ में आए पूरा क्लच देन ब्रेक, ठीक है, पूरा क्लच देन ब्रेक। अब लेफ्ट का सिग्नल दो आप ऊपर को, गट। अब थोड़ा यहाँ पे बिजी और कंजेस्टेड भी है ना, तो हर टर्निंग पे आप क्लच दबा के कार को टर्न करना 50%। अब थोड़ा राइट कर्व लेके, हाँ, अभी यहां से स्लो करो, टर्न करो, जाओ धीरे धीरे, हाँ, और टर्न करो, चलो और टर्न करो, और टर्न करो, हाँ बस। क्यों सीधी कर रही है मैडम? सीधी करने को किसने कहा? अभी तो आपकी गाड़ी टर्न नहीं हुई थी, हाँ अब सीधी करो, फटाफट सीधी करो, सीधी सीधी सीधी। इसका स्टीयरिंग खराब है, इसका स्टीयरिंग उसका आइडिया लग गया, गड़बड़ है, क्योंकि मैंने भी देखा इसमें 2.5 राउंड घूम जाते हैं, हालांकि 1.5 राउंड होता है लेफ्ट का सिग्नल दो, इसके स्टीयरिंग में प्ले है। अभी लेफ्ट टर्न करो, और हाँ बस 1.5 राउंड होता है 90 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री होता है हाफ राउंड, 60 डिग्री होता है 1 राउंड। अब हमें चलना है यहाँ से राइट, नहीं नहीं नहीं, खुर्रम नगर पॉलिटेक्निक चौराहा भीड़ में, मुंशी पुलिया से पॉलिटेक्निक से लेफ्ट आओ, चलो। अब हल्का सा एक्सेलेटर करो और अपनी कार में लेफ्ट साइड की रखना गाड़ी अपनी लेफ्ट वाली लाइन में, ताकि राइट साइड से जो भी व्हीकल आए हल्का लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, एक्सेलेटर, हाँ तो वो थोड़ा सा डाउन है, अभी लेफ्ट ही रखो, ज्यादा राइट नहीं, राइट वाली लाइन पूरी आप छोड़ दो, ताकि राइट साइड से अगर कोई व्हीकल निकले तो आपको डिस्टर्ब ना करे। फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर में कोई भी कार हो, डीजल, पेट्रोल, CNG, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आपकी गाड़ी में एक्सेलेटर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसा है क्या? सती जी, आपकी गाड़ी भी तो बिना एक्सेलेटर चल रही है। अपना लेफ्ट रखना, लेफ्ट, हाँ, और लेफ्ट आओ, चलो अभी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, अभी कार को लेफ्ट में रोकना है आपको, चलो, हाँ लेफ्ट आओ, लेफ्ट का सिग्नल दो, ताकि पीछे वाले लोगों को कंफर्म हो जाए कि ये कार रुकेगी, जो सामने टेम्पो खड़ा हुआ है गेमे कलर का, बस यहीं पे आगे रोकना है हल्का सा, और लेफ्ट आओ, और थोड़ा लेफ्ट, और लेफ्ट, हाँ अभी स्टीयरिंग सीधी रखो, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टॉप करो, अब इसको न्यूट्रल करो, हो गया। अब थोड़ी सी सांस ले लो, अब क्योंकि सांसें चढ़ी हुई हैं आपकी, है ऐसा नहीं, ऐसे ही बताओ, है ना? दिल कितनी तेज धड़क रहा है आपका, धड़क रहा है ना भैया? आप निकाल दीजिए ना यहाँ से, अरे नहीं, तो एक चीज बताओ, इतनी दिन मैंने आपको सिखाया है, अब मैं निकाल भी तो सकता था कार वहां से, मैं भी तो निकाल सकता था, मैं कहता ठीक है क्यों रिक्स लूं, लो मैं निकालू, लेकिन फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या सीखा है मेरे से, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास क्लच ब्रेक कुछ भी नहीं है ना। अब आपको इस कार को फर्स्ट गियर में करना है, करो, और ये जो साइकिल वाला खड़ा है ना पूरा, ये थर्ड गियर डाल दिया आपने, फर्स्ट नहीं, ये पूरा लेफ्ट दबा के, हाँ जो साइकिल वाला खड़ा है, यहाँ से और आपकी कार से यहाँ तक कम से कम 5 बार इसको स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, पूरा क्लच देन ब्रेक,
जब गाड़ी को रोकना होगा तो फुल क्लच दबाओगे, हल्का सा ब्रेक लोगे, रुक जाएगी। जब मूव करना होगा हाफ क्लच छोड़ोगे, पूरा ब्रेक रिलीज करोगे, गाड़ी मूव कर जाएगी। स्टीयरिंग एकदम सीधा रहना चाहिए, एकदम सीधा। इंडिकेटर लेफ्ट का जल रहा है। हाँ, कोई इशू नहीं है। एक चीज का स्वाति जी ध्यान रखिएगा, जी कार को आप बिना एक्सेलेटर मूव कर रही हैं उस टाइम आपका जरा सा भी यही ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए। अगर ब्रेक दबा होगा तो फिर कार का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि आप बिना एक्सेलेटर उठा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी भी कोई भी फर्स्ट टाइम आप कार चला रही हैं तो उसमें ये प्रैक्टिस करना जरूरी है क्लच और ब्रेक की, जो अभी मैं करा रहा हूँ। क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस क्या करना है कि ताकि आपको हर गाड़ी का क्लच और ब्रेक अलग होता है। स्लो स्लो आंटी को निकलने दो। हाँ, क्योंकि किसी गाड़ी का क्लच टाइट होता है, किसी गाड़ी का स्मूथ होता है, किसी गाड़ी में ब्रेक में थोड़ा प्ले होता है, तो इसलिए 2 से 4 बार कम से कम आपको गाड़ी को रोकना, बढ़ाना, रोकना, ये आइडिया। हल्का राइट दबा के रखो, चलने दो धीरे धीरे, गुड। और इस मिरर को भी रिकॉल करते रहना है, ये नहीं कि एक ही हल्का राइट रखना नहीं, अंकल जी के घुटने चले जाएंगे, है ना। हाँ, जिस तरीके से वो बैठे हैं तो गाड़ी आपकी धीरे धीरे लेफ्ट जा रही है। हाँ, चलो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो। हाँ, चलो धीरे धीरे। हाँ, अब आपको इधर ही लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट ही रखो और लेफ्ट। हाँ, चलते रहो धीरे धीरे। हाँ, खिसकाओ धीरे धीरे, चलो 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 धीरे धीरे, और लेफ्ट आओ और लेफ्ट। हाँ, अब सीधी रखो स्टीयरिंग, गुड। अब इसको करो न्यूट्रल, पूरा क्लच दबाया करिए, फुल क्लच, ठीक है। और पैर नहीं पहुंच रहे तो इसमें हो हील वाली जूती पहन लीजिए, ठीक है, पहुंच रहे हैं ना, क्योंकि इसकी सीट और आगे हो सकती है, इसकी सीट और आगे हो सकती है। अब रिवर्स गियर डालो, आप रिवर्स गियर डालो, हो गया। अब अपने राइट और लेफ्ट वाले वार्म, जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी लाई हो उसी सेम डायरेक्शन में वापस जाना है, बैक में। हाँ हाँ, ऐसे रोक रोक के, बहुत धीरे धीरे। वो अंकल अपनी जगह सही बैठे हैं, आंटी को बचाओ, जो आंटी आ रही पीछे डोले ओले बनाती हुई, एकदम अस्तीन अस्तीन चढ़ाते हो कि आओ ठोको फिर हम बताते हैं तुम्हें। यहाँ पे ना स्वाति जी, आप 3 जगह देख सकते हो, राइट वाले ओआरबीएम से राइट साइड की प्रोफाइल आपको दिखेगी, लेफ्ट वाले ओआरबीएम से लेफ्ट साइड की प्रोफाइल दिखेगी, लुकिंग ग्लास से पूरा बैक साइड का अंदाजा आपको मिलेगा कि आपके कार के पीछे क्या चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे खिसकाना है, धीरे धीरे। हाँ, चलो हल्का सा लेफ्ट ही रखना, एकदम जिस डायरेक्शन में सेम कंडीशन, कहीं नहीं मोड़ना, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में आई हो, क्योंकि आपकी जो कार है वो लेफ्ट वाली लाइन में है, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। चलते रहो, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा और, अब थोड़ा सा 2-3 मीटर जाने के बाद रोकना। हाँ, गुड। अब इस लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करो, देखो इसमें व्हाइट लाइन दिख रही है, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है ना कि गाड़ी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी। अब इससे क्या सीखने को मिल रहा है, कार को रोकना और बढ़ाना, रोकना और बढ़ाना, तो यहाँ पे किसकी प्रैक्टिस हो रही, क्लच एंड ब्रेक, क्लच एंड ब्रेक की। तो कभी भी फर्स्ट टाइम आप कार कोई भी चलाओ ना, तो उसको कम से कम 5 से 10 मिनट कोई भी गाड़ी चलाओ, फर्स्ट टाइम अगर चला रही हो तो क्लच और ब्रेक का यूज करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि कार में कितना क्लच दबाने से इंजन फ्री होता है, कितना क्लच रिलीज करने से कार का इंजन एक्टिव होता है, और कितना ब्रेक लगाने से कार प्रॉपर रुकती है। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट गियर में कार को मूव करना, फुल क्लच दबा के देन हल्का सा ब्रेक, फिर फुल ब्रेक को रिलीज करके 50% क्लच को रिलीज करके कार को वापस स्टार्ट करना, रिवर्स गियर में फुल क्लच लेके देन ब्रेक लेके कार को रोक लेना, फिर पहले ब्रेक को रिलीज करना, फिर 50% क्लच को रिलीज करना, कार गियर में एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और बैक करो सर। हाँ, भी ले सकते हो, स्पेस है। स्वाति जी यहाँ सिर्फ रोक, हाँ गली गई है तो हम क्या हॉर्न देके। हाँ, अभी आपकी जो गाड़ी की स्पीड है, तो अगर कोई साइकिल वाला भी निकलेगा वो भी आपको जज कर लेगा, है ना, वो भी आपको जज कर लेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो धीरे धीरे। हाँ चलो, आप लोग को डर नहीं लग रहा? क्यों डरना है, मैं तो भी उतरने वाला हूँ गाड़ी से। नहीं, जैसे मैंने कहा उतरने वाला, आंटी कह रही कहाँ फंस गई आज, घर ही में रहती। नहीं, सुबह सुबह एक लड़की सीख रही थी भैया। अच्छा, तो वो एक
जेंट्स बैठे थे वो पीछे बैठे, उनकी मार बैठी थी, मतलब जो ट्रेनर था बगल में बैठा था, मम्मी उसके पीछे बैठी थी। हाँ। वो आके वो पेड़ पे वही से यू टर्न ले रही थी पानी। हाँ। से वो कर नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे खैर पीछे करते हुए फिर कर, अब रुक लो यहाँ पे पूरा क्लच देन ब्रेक न्यूट्रल करो, वो अपनी गाड़ी से ठीक है हो गया, अब हैंड ब्रेक लगाओ, तो अब क्लच ब्रेक को रिलीज कर दो। अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा ना, अब इसका आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना क्लच लेने से कितनी गाड़ी फ्री होती है, कितना क्लच रिलीज करने से इंजन एक्टिव होता है, हो गया ना। अब हम लोग चल रहे हैं फाइनली इसको चलाने के लिए। अभी तो मैंने ये 10 मिनट 15 मिनट की आपको प्रैक्टिस करा दी कार को रोकना बढ़ाना रोकना बढ़ाना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।